नमस्कार, मैं टीकम शर्मा और आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। राज्य में घटकर 0.50% हुई कोरोना संक्रमण दर। इंतजार खत्म, अगले महीने ट्रायल रन के रूप में गंगा के भीतर दौड़ सकती है ईस्ट वेस्ट मेट्रो। कुछ दिनों में गायब हो जाएगी ठंड, होली से बढ़ेगी गर्मी। शिक्षक भर्ती मामले में CBI जांच के हाईकोर्ट आदेश को राज्य सरकार देगी चुनौती। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा खत, राज्य सरकार के खिलाफ की शिकायत। मेदिनीपुर के सांसद व भाजपा के उपाध्यक्ष दिलीप घोष एक बार फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ जाएंगे अफ्रीका। रूस यूक्रेन युद्ध पर UNGA की आपात बैठक, कहा तुरंत हो युद्ध विराम। रूस पर अब फीफा का एक्शन, फुटबॉल विश्व कप से किया बाहर। यूक्रेन की राजधानी खीव और खारकीव पर रूस ने किया हमला, गूंज रही धमाकों की आवाज। नए शीत युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोला चीन। फीफा और UEFA के निलंबन को रूस ने बताया भेदभावपूर्ण कार्रवाई। अमेरिका ने UN से 12 रूसी डिप्लोमेट्स को देश से निकाला, रूस ने बताया शत्रुतापूर्ण। यूक्रेन को लेकर UNHRC में हुए मतदान में भारत ने नहीं लिया भाग। यूक्रेन टेनिस स्टार एलिना स्वितोलिना ने रूस बेलारूसी खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने से किया मना। यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की ने अपील की, रूस के लिए बंद किए जाए दुनिया के सभी पोर्ट और एयरपोर्ट। इंटरनेशनल IS हॉकी चैंपियनशिप से रूस सस्पेंड, 2023 यूथ चैंपियनशिप की मेजबानी भी छीनी। तुर्की का रूस पर बड़ा प्रतिबंध, अपने कब्जे वाले ब्लैक सी के क्षेत्र में रूसी सैनिक जहाजों को एंट्री रोकी। रूस यूक्रेन जंग में फंसे भारतीयों को लेकर एक और फ्लाइट आई मुंबई एयरपोर्ट, पहुंचे 182 यात्री। यूक्रेन की सेना को 70 फाइटर प्लेन देगा यूरोपियन यूनियन में शामिल 4 देश। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में उछाल, दिल्ली में 19 kg सिलेंडर की कीमत 105 रुपए जबकि 5 kg पर 27 रुपए बढ़े। यूक्रेन को हथियार देगा फिनलैंड, नेटो की सदस्यता लेने के लिए भी बढ़ाए कदम। बेलारूस को अमेरिका की चेतावनी, महंगा पड़ेगा जंग में रूस का समर्थन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सनत नगर में लश्कर ए तैयबा के आतंकी को गिरफ्तार किया। इल्केर IG ने एयर इंडिया के CEO और MD बनने से किया इनकार। अब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू करेगी वायुसेना, PM मोदी ने दी मंजूरी। यूक्रेन के खारकीव में युद्ध के दौरान एक भारतीय छात्र की हुई मौत। अब तक के लिए बस इतना ही, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।